गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? तो कैसी चल रही है क्लासेस? आज की क्लास में मैं टॉपिक ले रही हूँ स्टॉक। अभी लास्ट क्लास में मैंने टॉपिक लिया था शेयर्स। शेयर्स और स्टॉक आपके सिलेबस में एक टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंट इस टॉपिक में बहुत कंफ्यूज होते हैं। उन्हें लगता है शेयर ही स्टॉक है और स्टॉक ही शेयर है। बट माई फ्रेंड्स, दीज आर बोथ डिफरेंट। एक बात ध्यान रखनी है आपको, शेयर्स वो है जो शेयर कैपिटल का पार्ट है, और शेयर वो जो फुल्ली पेड अप हो गया हो वो स्टॉक में कन्वर्ट हो सकता है। ध्यान देना मैंने क्या बोला, वो सभी शेयर्स। अगर एक शेयर होल्डर चाहता है कि वो इन्हें स्टॉक में कन्वर्ट करवाए, तो इसका फर्स्ट कंडीशन होना चाहिए कि इट मस्ट बी फुल्ली पेड अप। ठीक है, तो अब ये बात करते हैं, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आपको मेरे चैनल पे नए नए वीडियोस मिलेंगे, कंपनी लॉ के वीडियोस मिलेंगे। आपको पसंद आते हैं मुझे रिवर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई और क्वेरी है तो मुझे बताइए। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसका बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, ताकि कि मेरे नए वीडियोज ऑटोमेटिकली आपके पास नोटिफाई हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है स्टॉक। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्टॉक क्या है। जैसे शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, तो स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ ऑल्सो शेयर कैपिटल। ये भी अंश पूंजी का एक हिस्सा है। ठीक है, तो अब स्टॉक क्या होता है, सबसे पहले एक जनरल मीनिंग ले लेते हैं। जनरल मीनिंग अगर मैं बात कहूँ तो जो छोटी छोटी अमाउंट वाले शेयर्स होते हैं ना, लेकिन वो शेयर्स जो फुल्ली पेड अप हों, वो शेयर्स जो फुल्ली पेड अप है उनका अगर टोटल सम कर लिया जाए, दैट इज द स्टॉक। क्या कहा मैंने, इफ द टोटल सम ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ लिटिल अमाउंट और स्मॉल अमाउंट इज कॉल्ड स्टॉक। तो अब आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि एक कोई कंपनी है, उसके अगर शेयर्स फुल्ली पेड हो गए हैं तो वो उसे कन्वर्ट किया जा सकता है स्टॉक में। लेकिन एक चीज जो आपको यहाँ ध्यान देने की बात है, कंपनी अपनी इच्छा से शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट नहीं करती। फिर से ध्यान दे लीजिएगा कि कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को जो कि फुल्ली पेड अप हो भी गए हों, अपनी इच्छा से कभी भी स्टॉक में कन्वर्ट नहीं करती। इट इज टोटली डिपेंड ऑन द डिजायर ऑफ शेयर होल्डर। यदि शेयर होल्डर चाहता है तो कंपनी उसे कन्वर्ट कर सकती है। तो यही हमारा आज का टॉपिक है कि स्टॉक क्या है, स्टॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके डेफिनेशंस क्या है और उसकी प्रोविजंस क्या है, हमारे लीगल प्रोविजंस क्या है कंपनी एक्ट में। तो इसके शुरुआत मैं करती हूँ मीनिंग से। तो ये कहता है, इट इज एन एग्रीगेशन ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर। मैंने आपको बता दिया कि ये फुल्ली पेड अप शेयर्स का टोटल सम है। एग्रीगेशन का मतलब होता है एवरेज, है ना, औसत। तो ये इसका एग्रीगेशन है, विच मे बी ट्रांसफर्ड। ध्यान दीजिएगा, विच मे बी लिखा है, मस्ट नहीं लिखा है, विच मे बी ट्रांसफर। तो मे का मतलब है इट इज डिपेंड ऑन द डिजायर ऑफ शेयर होल्डर। इट मे बी ट्रांसफर्ड एंड स्प्लिट अप इनटू फ्रैक्शन इन रिगार्ड्स टू द ओरिजिनल नॉमिनल अमाउंट ऑफ द शेयर। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ पे आप मान लो कि कोई कंपनी है और उसके कुछ शेयर्स 100 रुपए वाले हैं और वो किसी पर्सन ए के पास हैं। अब अगर उसने उस पर्सन ए ने उस शेयर के ऊपर पूरे 100 रुपए कंपनी को दे दिए हैं, तो अब वो एक तो अपनी इच्छा से उस शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट करा सकता है। ठीक है, और दूसरी चीज ये होगी कि वो उसे स्प्लिट भी करवा सकता है। मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है स्प्लिट, और स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना। अब यहाँ तोड़ने का मतलब है जो 100 रुपए का शेयर है वो चाहे तो 10, 90, 80, 70, 50, 100, 40 किसी भी वैल्यू ऑफ मनी में कन्वर्ट करवा सकता है, स्प्लिट करवा सकता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा और ध्यान देने की बात है कि इस अमाउंट को और पैसों में नहीं तोड़ा जा सकता। जैसे अगर मैं कहूँ कि 10 रुपए 25 पैसे में उसे कन्वर्ट करवा दे वो स्टॉक में, इट इज नॉट पॉसिबल। पूरी तरह से या तो 10 रुपए में, या तो 20 रुपए में, या 50 रुपए में, या 70 रुपए में। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि शेयर्स को अगर वो फुल्ली पेड अप हो गए हैं तो ऑन द डिजायर ऑफ शेयर होल्डर इट कैन बी कन्वर्टेड इंटू स्टॉक, बट इन द स्प्लिट और इंटू अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ द मनी। ठीक बात है, अब आगे की बात करते हैं कि जब एक कंपनी अपने जो शेयर्स हैं और वो फुल्ली पेड अप हो गए हैं, तो उसका जो नॉमिनल वैल्यू है वो उससे कम भी उसका डिनोमिनेशन कर सकती है, स्प्लिट कर सकती है, और उससे ज्यादा भी कर सकती है। ये सारी चीजें डिपेंड करती है मार्केट वैल्यू पर। ठीक है, तो अब आगे की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट आती हूं मैं डेफिनेशन पे। आप मुझे सबसे पहले ये क्लियर कर लो कि मीनिंग अपने को समझ में आ गया क्या, क्योंकि मीनिंग अगर समझ में आ गया तो समझ लेना आधा युद्ध जीत लिया, और अगर मीनिंग में कंफ्यूजन है तो आगे की सारी चीजें ऊपर से निकल जाएंगी। तो मैंने इसमें बहुत सारी बातें कही हैं, मैं फिर से रिवाइज देती हूँ आपको कि एक शेयर
जिसका फुल्ली पेड अप है, वो पूरी तरह से उस पर पैसा दे दिया है कंपनी को उसने, व्यक्ति ने, तो उसके नॉमिनल अमाउंट में उसका फ्रैक्शनल स्प्लिट हो सकता है। दूसरी चीज, ये ट्रांसफर हो सकता है किसमें, शेयर का स्टॉक में कन्वर्जन हो सकता है। और तीसरी चीज है, द फर्स्ट मोस्ट फॉरमोस्ट कंडीशन इज फुल्ली पेड अप ऑफ शेयर। तो ये एक एग्रीगेशन है उन सभी शेयर्स के, फुली पेड अप शेयर्स के टोटल का, कि जिनको हम स्टॉक में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टॉक समझ में आता है। अब आगे बात कर रही हूँ डेफिनेशन। मैंने एक जो लास्ट वीडियो आपको बताया है जो शेयर्स का था, मैंने कहा था जब भी कोई अच्छा नोट लिखना चाहते हो तो डेफिनेशन के मामले में उस पर तीन बातें लिखा करो। एक तो जो एक्ट कह रहा है वो डेफिनेशन लिखो, एक जो हमारे जजेस ने दी है डेफिनेशन वो लिखो, और तीसरी आती है अदर वर्ड्स, जिसको ओन वर्ड्स भी कहते हैं, उसमें लिखो। तो मैं इसको भी, तीनों ही डेफिनेशंस को कवर करूंगी। सबसे पहले कवर कर रही हूँ जो हमारे एक्ट में दी गई है। इसका एक्ट का जो सेक्शन है वो है सेक्शन 2 सब क्लॉज 46। मैं डेफिनेशन तो आपको समझाऊंगी लेकिन सेक्शन मैंने कोट किया है ताकि कि आप इसे देख करके दिमाग में बिठा लें। सेक्शन हमेशा सही लिखना, इससे अगर नहीं याद आ रहा है तो भले मत लिखना, मगर अगर गलत लिखने की कोशिश करोगे नंबर बहुत ज्यादा कट जाएंगे। तो कोशिश करो सही लिखो वरना मत लिखो। तो अब मैं बात कर रही हूँ जो सेक्शन 2 सब क्लॉज 46 में ये डिफाइन की गई है, कि कहता है कि सम ये स्टॉक क्या है, स्टॉक क्या है, स्टॉक एक शेयर पूंजी का या जो शेयर कैपिटल है उसका एक पार्ट है और इसमें स्टॉक इंक्लूड है, ठीक है। और इसमें ये खास बात कहता है, अगर क्लियर क्लियर इसका कोई डिफरेंस नहीं किया गया है तब तो शेयर ही स्टॉक है और स्टॉक ही शेयर है, लेकिन अगर मेंशन कर दिया है कि स्टॉक अलग है और शेयर अलग है तो फिर शेयर स्टॉक नहीं माना जाएगा। यानी ये कुछ ऐसा है कि अगर उसमें व्यवस्था है, किसमें, एमओए में, अगर एमओए में व्यवस्था है तो ही एक शेयर और स्टॉक एक माना जाएगा, अदरवाइज ये दोनों अलग अलग रहेंगे। अब बात करती हूँ दूसरी डेफिनेशन की जो लॉर्ड केयर्न्स ने दी है, बहुत ही बढ़िया डेफिनेशंस दी है। अगर मैं आपको बताऊँ, उन्होंने कहा है द यूज ऑफ टर्म स्टॉक मेयरली डिनोट्स दैट द कंपनी हैव रिकॉग्नाइज्ड द फैक्ट ऑफ द कंप्लीट पेमेंट ऑफ द शेयर्स। आ गई ना बात, कंप्लीट पेमेंट ऑफ शेयर्स, एंड दैट द टाइम हैज कम व्हेन दी शेयर मे बी असाइन इन टू फ्रेगमेंट्स विच फॉर ऑब्वियस रीजंस कुड नॉट बी परमिटेड बिफोर। अगर इससे पहले उसका परमिशन नहीं दिया गया होगा, यानी अगर पेड अप फुल नहीं हुए हैं तो उससे पहले उसको कन्वर्जन नहीं दिया जा सकता। ये थोड़ी सी बात है, लॉर्ड केयर्न्स ने बहुत अच्छी बात कही है। इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटना पड़ेगा और उन छोटे छोटे हिस्सों में जिसे इसे पहले नहीं डिवाइड किया जा सकता था। अब अगर मैं अदर वर्ड्स की बात करूं तो हम ये समझ सकते हैं, इट इज अ सम अप ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स विच कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू स्टॉक एंड कैन बी स्प्लिट इनटू स्मॉल पार्ट्स ऑफ मनी। बस सिंपल सी बात कि जिसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जा सके मूल्य के, और जिनको जिसके ऊपर पूरी पैसा उसने कंपनी को दे दिया हो। अब बात करती हूँ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारी है, अच्छी अच्छी है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को दिमाग में सही रख लो, जिसको अपन सैलेंट फीचर्स भी कहते हैं। ये कर लिया तो आगे जो बेनिफिट्स लिखने में तुम्हें बहुत फायदा होने वाला है, याद नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली समझ में आता रहेगा। तो सबसे पहला बेनिफिट मैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करती हूं, वो कहता है बहुत अच्छी चीज है इसमें, कि कोई भी कंपनी स्टॉक को खरीदने के लिए किसी भी पब्लिक को इनवाइट नहीं करती। ध्यान देना, हम शेयर्स के लिए तो पब्लिक इनविटेशन डालते हैं लेकिन स्टॉक के लिए कभी भी पब्लिक इनविटेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने बताया आपको, क्योंकि कंपनी नहीं करती ये कन्वर्जन, ये तो ऑन द डिजायर ऑफ शेयर होल्डर होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है कि कोई भी कंपनी पब्लिक को इन्वाइट नहीं करती स्टॉक के लिए। दूसरी बात कहती हूँ कि इसका मैंने आपने कह दिया, एक और इसका कैरेक्टरिस्टिक बताती हूँ, अलाउड बाय एमओए। ये सारी व्यवस्थाएं केवल तभी संभव है अगर उस एमओए में अलाउ किया गया हो। अगर एमओए में, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, इस तरह की व्यवस्था नहीं है, पार्षद सीमा नियम में इस तरह की व्यवस्था नहीं है तो कोई भी कंपनी एक शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट नहीं कर सकती। अब आगे की बात करते हैं, तीसरी बात कह रही हूँ कि केवल उन्हीं शेयर्स का स्टॉक में कन्वर्जन होगा जो फुल्ली पेड अप हुए होंगे। मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ तो आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, फुल्ली पेड अप शेयर्स होने चाहिए। तो अगर वो पार्टली पेड अप है तो उनका कन्वर्जन स्टॉक में नहीं होगा। आगे बात समझो, ये कहता है अगर कोई भी स्टॉक जो है अलग अलग राशि के हो सकते हैं, ये ध्यान देना बिल्कुल आराम से है, कि
सारे स्टॉक एक ही जैसी राशि के हों, एक ही जैसी अमाउंट के, कोई जरूरी है। मैंने अभी कहा था जैसे 100 रुपए वाला शेयर है वो 10, 90, 80, 70, 50 किसी भी अमाउंट में हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है सबका एक ही चीज हो। और दूसरी चीज, जैसे शेयर्स का एक ऑर्डर नंबर होता है, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर स्टॉक। स्टॉक का एक ऑर्डर नंबर हो, इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है। इट इज ओनली एक्सप्रेस्ड इन मनी वैल्यू, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये कहता है कि अगर कोई शेयर होल्डर, एक कैरेक्टरिस्टिक बता रही हूँ मैं आपको, अगर कोई शेयर होल्डर चाहता है कि उसके शेयर को कन्वर्ट किया जाए, तो इट शुड बी अप्लाइड बाय द शेयर होल्डर टू द कंपनी। ये खास बात है कि अगर कोई शेयर होल्डर चाहता है तो उसे कंपनी को रिक्वेस्ट करना होगा कि वह इसको कन्वर्ट कर दे। कभी भी कंपनी अपनी इच्छा से कभी कन्वर्जन नहीं करेगी, ठीक बात है। अब आगे एक और इसकी साइलेंट फीचर में देखते हैं। अब अगर मान लीजिए जो डिविडेंड है जो कंपनी दे रही है वो किस रेशियो में इसको देगी, किसको, स्टॉक होल्डर को, तो ध्यान देना जिस रेशियो में उसने इसको कन्वर्ट करवाया होगा। जैसे अगर 100 रुपए का कोई शेयर है और उसको उसने दो हिस्सों में बंटवा दिया स्टॉक में, एक 40 रुपए का कर दिया और एक 60 रुपए का कर दिया, तो मान के चलना 2:3 के रेशियो में उसे डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। 4 या 6 कह लो या 2:3 कह लो, एक ही बात होगी। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ये एक और मैं आपको बताती हूँ, चेंज इन मेंबर्स ऑफ रजिस्टर। आप एक बात ध्यान रखो, एक शेयर जिसके पास होता है मेंबर ऑफ रजिस्टर में, उसके नाम के आगे वो नंबर ऑफ शेयर्स और वैल्यू ऑफ शेयर्स लिखा जाता है कि नहीं जी, लिखा जाता है। जैसे मिस्टर ए के पास में 100 शेयर हैं 10-10 रुपए वाले, तो 1,000 की अमाउंट हो गई कि नहीं हो गई, तो ये चीज लिखी जाएगी ना। लेकिन अगर उसमें उसने स्टॉक को कन्वर्ट करवा लिया होगा, 100 शेयर 1,000 शेयर में से कोई 50 शेयर भी अगर उसने कन्वर्ट कराए ना, तो उस 50 शेयर्स के अगेंस्ट में जो रजिस्टर ऑफ शेयर्स है उसमें से तो उसका नाम हट जाएगा और स्टॉक के रजिस्टर में उसका नाम ऐड हो जाएगा, ठीक बात है। ये बात समझना होगा। अब आगे एक और चीज बोलो बोल रही हूँ मैं आपको, समझा रही हूँ। जब एक शेयर इशू किया जाता है तो शेयर का सर्टिफिकेट इशू होता है ना, अगर वो शेयर अगर स्टॉक में कन्वर्ट हो गया है तो वो सर्टिफिकेट तो कंपनी वापस ले लेगी, शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट कर देगी और रजिस्टर में से किस वाले शेयर वाले रजिस्टर में से नाम हटा करके स्टॉक वाले रजिस्टर में नाम ऐड कर देगी। कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रखना है दिमाग में, क्लियर क्लियर चीजें चलती रहनी चाहिए कि शेयर सर्टिफिकेट वापस ले लिया जाता है जिन शेयर का स्टॉक में कन्वर्जन हो गया है, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ये सारी इसकी फीचर से रिलेटेड है। अब मैं बात करती हूँ कुछ लीगल प्रोविजंस, जो हमारे एक्ट में इसके वैधानिक प्रावधान है या व्यवस्थाएं हैं उसकी बात करती हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, ये कहता है कि अगर अंतर नियम और सीमा नियम में इस तरह की व्यवस्था नहीं है तो इट कैन नॉट बी हैपन। ध्यान दीजिएगा, अगर पार्षद सीमा नियम या पार्षद अंतर नियम इसमें व्यवस्था नहीं दी है इस कंपनी के, तो किसी भी शेयर का स्टॉक में कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, चाहे कितना भी शेयर होल्डर चाहे। दूसरी बात, अगर शेयर होल्डर चाहता है और कंपनी इस चीज़ को करने के लिए राजी होती है तो इसका मामला रजिस्ट्रार को जरूर इन्फॉर्म करना होगा। ध्यान देना, मैंने यहाँ पे एक फीचर में भी लिखा था इन्फॉर्म टू ROC। ROC का मतलब होता है, मैं आपको एक चीज का सजेशन देना चाहूंगी, जब भी आंसर लिखो एब्रीवेशन जरूर इंट्रोड्यूस करो। आपको मालूम होगा कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है, लेकिन मैं भी लिख सकती थी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, मैंने क्या लिखा, ROC लिखा। ROC लिखने से और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देने से आपकी आंसर की वेटेज बढ़ जाती है। तो मैं चीज आपको हमेशा सजेस्ट करूंगी, जैसे मैं MOA लिखती हूँ अधिकांश, मैं AOA लिखती हूँ, मैं ROC लिखती हूँ, मैं MCA लिखती हूँ, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आंसर की प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाने के लिए। तो ROC का मतलब है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो अगर कंपनी उस स्टॉक का कन्वर्जन कर रही है और उसके MOA में इस तरह की या AOA में व्यवस्था है, तो इसकी इंफॉर्मेशन वो ROC को देगी। विदाउट इन्फॉर्म टू द ROC इट इज इनवैलिड, ठीक बात है। तो रजिस्ट्रार को देनी होगी इसकी सूचना। अब कब तक, एक रीजनेबल टाइम होता है या नहीं होता है, तो देखो इस रीजनेबल टाइम में ये कहा गया है कि जब उसने अप्लाई किया शेयर होल्डर ने कन्वर्जन के लिए, उसके 30 डेज के अंदर अंदर उसे रजिस्ट्रार को बताना होगा। अब जब रजिस्ट्रार को बता दिया जाएगा तो अब रजिस्ट्रार इस सारी चीज का वेरिफिकेशन करेगा कि क्या वो शेयर फुल्ली पेड है नहीं है, क्या कंपनी के MOA में AOA में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं या नहीं है, तो वो सारा डॉक्यूमेंटेशन चेक होगा। अब वो चेक हो जाए और वो उसे मान ले कि हाँ ये सब कुछ ओके है, तो वो अलाउ कर देगा। और अगर मान लो चेक करने पर मालूम चला कि कुछ कमी है, कोई फॉल्ट है, तो फिर पेनल्टी लगेगी। मैं बता दूं लीगल प्रोविजन में एक पेनल्टी भी है, और पेनल्टी में इसने कहा है एक तो मनी वैल्यू में पेनल्टी है, एक इम्प्रिजनमेंट में पेनल्टी है। और ये भी हो सकता है कि अगर कोई एक्यूज ने ज्यादा काम किया हो, क्राइम जरा ज्यादा लेवल का हुआ हो, तो ये दोनों तरह की भी पेनल्टी दी जा सकती है, यानी मॉनेटरी पेनल्टी भी और इम्प्रिजनमेंट की पेनल्टी भी। अब आगे की बात कहते हैं, लीगल प्रोविजन ये भी कहता है कि इट इज ओनली अप्लाइड ऑन ओनली पेड अप शेयर्स, तो पेड फुल्ली पेड अप शेयर्स, तो पेड अप शेयर होने चाहिए, फुल्ली पेड अप होने चाहिए, तभी
ही उसका कन्वर्जन होगा। और इसका आगे एक और इसका जो इफेक्ट आता है उसके लिए भी लीगल प्रोविजंस दे रखे हैं कि जो हमारा मेंबर्स रजिस्टर है उसमें से उसका नाम काटा जाएगा और एक नया रजिस्टर जो स्टॉक रजिस्टर होता है उसमें उसका नाम ऐड कर दिया जाएगा। इसके साथ में पैरेलल एक व्यवस्था होती है कि अगर मेंबर रजिस्टर में से नाम कटा है तो शेयर सर्टिफिकेट उस कंपनी के पास अब वापस आ जाना चाहिए, वरना शेयर सर्टिफिकेट रहता है शेयर होल्डर के पास में, तो शेयर सर्टिफिकेट जरूरी आना चाहिए। और उसके अगेंस्ट में कंपनी क्या करेगी, स्टॉक सर्टिफिकेट इश्यू कर देगी। तो अब आपके लिए एक नया शब्द आ गया, स्टॉक सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट तो बहुत बार सुना है, मैं अभी अगले जो मेरे वीडियो बनाने वाली हूँ मैं आपको शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट के बारे में बताऊंगी। आज आपको मैं यहाँ बता रही हूँ कि स्टॉक सर्टिफिकेट भी होता है। स्टॉक सर्टिफिकेट केवल उन लोगों को दिया जाता है जो लोग अपने फुल्ली पेड अप शेयर्स का कन्वर्जन स्टॉक में करवा रहे होते हैं।